हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई के सैंपल पेपर सोशल साइंसेस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज इस पेपर में हम सेट थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इस सेट थ्री का कोड नंबर है 32/3। डियर स्टूडेंट, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे तो इसमें कुछ एक चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही ध्यान देने के लिए लायक हैं। जैसे इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग रीड करनी है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जो टाइमिंग आपको दी गई है वो दी गई है 10:30 से 1:30 तक, और इसमें आपको 15 मिनट के लिए रीडिंग टाइम है। इसमें जो टोटल प्रिंटेड पेज हैं वो टोटल 10 पेज हैं और एक मैप का पेज है, और जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो हैं 26, और इसमें जो टोटल टाइम अलाउड है वो है 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको दिए हैं वो है 80 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस सोशल साइंस के सैंपल पेपर में जो कि सीबीएसई द्वारा दिया गया है 2018 का, इसमें हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल 26 क्वेश्चन है और 1 से लेकर 7 तक शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, 8 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 19 से लेकर 25 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 26 जो मैप से रिलेटेड है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि 26 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, जिसमें से 26A और 26B। 26A जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और 26B ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो आओ हम जनरल डिस्कस करें कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, और इसमें हमने स्टडी किया है इनकम और इनकम से रिलेटेड जो गोल है। बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनकम से अदर गोल्स क्या हैं डेवलपमेंट के, तो इनकम से अगर इनकम को हम हटाएं तो यहाँ पे अदर डेवलपमेंटल गोल हो सकता है हमारा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, गुड हेल्थ फैसिलिटी हो सकता है इसका आंसर, गुड एजुकेशनल फैसिलिटी हो सकता है, गुड ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटी हो सकता है। तो आपको ज़्यादा नहीं, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे 2 गोल्स के बारे में पूछा, तो आपको डियर स्टूडेंट सिर्फ 2 गोल ही डिस्कस करने हैं। सिर्फ डिस्कस मीन्स जस्ट यू हैव टू राइट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अ चैलेंज इज़ नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम बट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, एनालाइज द स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया गया है एग्जामिनर द्वारा, और इसमें आपको डिस्कस करना है कि जो चैलेंज है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट अ अपॉर्चुनिटी, बट दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। सो यू हैव टू राइट कि चैलेंज इज़ नॉट टेकन एज अ प्रॉब्लम बट एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, सो पॉवर्टी इज़ अ चैलेंज फॉर अस, बट टू रिमूव द पॉवर्टी दैट इज़ द मार्क ऑफ द प्रोग्रेस। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन दिस वे। देन क्वेश्चन नंबर 3 फिर से इकोनॉमिक्स से है। इस क्वेश्चन में है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। तो स्टूडेंट, आपको बताया है क्रेडिट के 2 सेक्टर हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर जो है जो गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं इनफॉर्मल सेक्टर के, इसमें जिसमें से आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, और मनी लेंडर हो सकता है, और ट्रेडर हो सकते हैं। तो कोई भी आप 2 लिख सकते हो, और साथ में इस क्वेश्चन के साथ हाफ प्लस हाफ इजकल टू 1 करके दिया हुआ है, जिसका मतलब है अगर आप 1 एग्जाम्पल देते हो तो उसका आधा नंबर मिलेगा, और 2 लिखते हो तो दोनों के आधा आधा इजकल टू 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 फिर से 1 मार्क्स के लिए है, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर सच एक्टिविटीज़ कम। मतलब
यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये किस सेक्टर के अंडर आ रही है। तो आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर के अंडर जितने भी रिसोर्सेज हम सॉइल यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, या फॉरेस्ट हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम स्टडी करते हैं जस्ट प्राइमरी सेक्टर में, तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है ये सिविक्स से है। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो आया अगेन 1 मार्क्स के लिए, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। और ओरिजन के बेसिस पे हमने दो टाइप्स पढ़े हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बस आपको ये दोनों लिखने हैं, ना कि एक्सप्लेन करना है। जितना स्टूडेंट एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया है आपको उतना ही आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर एट अगेन विद द हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर नाइन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन है, हाउ इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, मीन्स नॉट टू हार्म द एनवायरमेंट, डेवलपमेंट शुड बी टेकन प्लेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। बट यहाँ पे आपको एक और चीज़ पे एक्सप्लेन करना है, हाउ वी कैन अचीव द गोल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट। तो इसमें आप लिख सकते हो द फर्स्ट वन नॉट टू हार्म द एनवायरमेंट, सेकेंड वन द डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द इको फ्रेंडली अप्रोच, मतलब कि हमारा एनवायरमेंट ज़्यादा अफेक्ट ना हो ह्यूमन एक्टिविटीज से, एंड थर्ड वन द प्रॉपर यूज़ एंड प्रॉपर प्लानिंग। जब भी हम किसी रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, और यूज़ करते हुए हमारी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपका हिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया है, डिस्टिंग्विश द सर्विस कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब आपको क्या करना है, इसमें से इन्होंने एक वर्ड टिपिकल दिया है सर्विस कंडीशन। सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया गया है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है ऑर्गेनाइज सेक्टर को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो हमने पता है ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कम्स अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे पूरी प्लानिंग हो, प्रॉपर उसके वर्किंग आवर फाइनल हो, प्रॉपर वेजेस फाइनल हो, और उनके लिए प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट हो वहाँ पे, और प्रॉपर एजुकेशनल और अदर जो बेसिक फैसिलिटी ऑफ लाइफ हैं वो सारी की सारी वहाँ पे अवेलेबल हों। बट ऑन द अदर हैंड साइड अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दोज आर नॉट कमिंग अंडर द गवर्नमेंट रूल एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सेम वाइस वर्सा कंडीशन होगी आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो इन क्वेश्चन के ऊपर आपने नियर अबाउट 3 एग्जाम्पल या 3 पॉइंट्स के थ्रू इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 3 नंबर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 वो फिर से आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन सो अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत बार बोला है पहले क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करना है। इस क्वेश्चन में है हाउ हैज़ द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया मेड वर्स पोजिशन बाई एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आपकी कंट्री में वो डे बाई डे क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है, और उनकी विद द इंक्रीजिंग नंबर जो आपका वाटर फ्रेश वाटर क्वालिटी है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, वो कंटेमिनेट हो रहा है डे बाई डे, जस्ट एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या लिख सकते हो, यू हैव टू फर्स्ट, आपको ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इस स्टेटमेंट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सो यू कैन राइट यस द स्टेटमेंट इज प्रॉपरली राइट एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द इंडस्ट्रीज आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेमिनेशन ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। फर्स्ट इसके अंडर आप पॉइंट
और मैंने आपको एक और बात बोली, जब भी कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको किस में डिस्कस करना है, पॉइंट में डिस्कस करना है। 3 मार्क्स के पॉइंट में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स होंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स होंगे। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट वन दैट इज़ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंग। सेकेंड पॉइंट द नंबर ऑफ लेबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ बिकॉज इंडस्ट्री गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन, एंड व्हेन इंडस्ट्री गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन द नंबर ऑफ द लेबर हैज़ बीन इंक्रीज्ड। एंड द थर्ड वन द ग्रोथ ऑफ द स्लम्स एरियाज नियर द इंडस्ट्री, बिकॉज जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ पे ग्रोथ ऑफ स्लम होगी होगी। जब ग्रोथ ऑफ स्लम्स वहाँ पे होंगी तो जो बेसिक फैसिलिटी है लाइफ की, और वो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो आपका वाटर फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सभी को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें ये तीनों के तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ नेट ट्रांसपोर्ट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया गया है कि जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क होगा तो इससे क्या होगी, हमारी लोकल और नेशनल डेवलपमेंट दोनों होगी। तो अगेन से आपको इसको स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है, यस द डेंस एंड द एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट बाय दिस पॉइंट। फर्स्ट इट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक डोर टू डोर फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हमें डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड सेकेंड वन, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंडरी एज वेल एज द टर्शरी सेक्टर। एंड थर्ड वन, द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इज देयर ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आइडियाज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द थॉट्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन इन द लोकल एंड द नेशनल डेवलपमेंट विद द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका फिफ्टीन क्वेश्चन, ये सिविक्स से है। क्वेश्चन नंबर 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, व्हाई इज़ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हम लोन लेते हैं वो लोन चीप और अफोर्डेबल क्यों होना चाहिए। तो सिंपल सा वन, अगर हमारा लोन जो है वो चीप होगा, सस्ता होगा और अफोर्डेबल होगा तो इससे क्या होगी, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस भी होगी, साथ में क्या होगी, हमारी जो पर्सन या जो इंडिविजुअल लोन ले रहा है उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड राइज होगा। क्योंकि जब भी कोई पर्सन लोन लेगा तो वो उसको प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करेगा, एग्रीकल्चर में यूज़ करेगा। जब एग्रीकल्चर में यूज़ करेगा, जब उसकी इंटरेस्ट रेट कम होगी तो वो क्या करेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा, और यूज़ करने से उसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मीन्स में लगाए तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो मीन्स आपकी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी और कंट्री की भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो इससे रिलेटेड आपने 3 पॉइंट जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाउ कैन कंज्यूमर अवेयरनेस बी स्प्रेड अमंग कंज्यूमर टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन एनी 3 वेज। अब ये कंज्यूमर राइट से आपका क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक्स चैप्टर से, तो इसमें क्या करना है कि जो कंज्यूमर है हमारे उनको कैसे बचा सकते हैं हम, डैट इज़ इन द मार्केट। सो फर्स्ट है टू अवेयर अबाउट देयर राइट्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर को 6 राइट दिए हैं, 6 राइट्स के थ्रू वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा टू अवेयर देम अबाउट देयर कंज्यूमर राइट। सेकेंड वन, कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट द कंज्यूमर कोर्ट्स। हमें पता कंज्यूमर कोर्ट है, नेशनल लेवल पे अलग कोर्ट है, स्टेट लेवल पे अलग कोर्ट है, और इंटरनेशनल लेवल पे अलग कोर्ट है, जिसको हम 3 क्वासी जुडिशियल सिस्टम ऑफ कंज्यूमर
राइट्स भी बोलते हैं, तो इसके थ्रू भी हम कंज्यूमर को, और सेकंड वन बाय द ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, बाय ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, और उसके बाद बाय अवेयरिंग एंड बाय प्रोवाइडिंग देम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टू सेफ देम सेल्फ इन द मार्केट। द नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वो भी आपका सिविक्स से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हाउ हैज़ फॉरेन ट्रेड बीन इंटेग्रेटिंग मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे एक्सप्लेन करना, और इसमें चॉइस दी गई है, या तो आप इसका ए पार्ट अटेम्प्ट करें या तो बी पार्ट अटेम्प्ट करें। अगर ए पार्ट अटेम्प्ट करते हो तो इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, हाउ हैज़ फॉरेन ट्रेड बीन इंटेग्रेटिंग मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्री, मतलब ट्रेड जो है फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, वो कंट्रीज़ की, जितने भी कंट्री हैं उनकी मार्केट को इंटेग्रेट कैसे कर रहा है। जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, दो मार्केट जो हैं वो क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। जब दो मार्केट कनेक्ट हो रही हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ द इकोनॉमीज़, इकोनॉमीज़ मीन मार्केट, जितनी भी कंट्री हैं। तो इसको अपने एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, और ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, कम से कम इसके अंडर आपको 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। और इसी का जो बी पार्ट है वो है, हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आर डेली लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अगेन एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है कि ग्लोबलाइजेशन के हमारी डेली लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो मैंने आपको बताया है ग्लोबलाइजेशन के दो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। इसमें आपको 3 पॉइंट पॉजिटिव इम्पैक्ट से रिलेटेड एक्सप्लेन करने हैं, 2 पॉइंट नेगेटिव इम्पैक्ट से रिलेटेड एक्सप्लेन करने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन 1980s एंड 1990s, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल। और ये क्वेश्चन भी आपको चॉइस में दिया हुआ है, तो इसके ए पार्ट में आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या है। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल जो रिफॉर्म्स आपके हुए हैं, फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, एक तो ये जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया है। सेकंड वन एवोल्यूशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, जितना भी बार्टर सिस्टम पहले होता था उसको ख़त्म किया गया है। और 1980s में सब्सिडीज़ फॉर द फार्मर्स ऑन द इरिगेशन टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स और HYB सीड्स और फर्टिलाइज़र के ऊपर क्या किया गया है, इनको सब्सिडी दी गई है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जितनी भी किसी फार्मर्स की जो अलग अलग जगह पे उनकी एग्रीकल्चर लैंड है उनको क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया है। मींस लोगों को एक ही जगह पे क्या दी गई है, एग्रीकल्चर लैंड दी गई है। तो इससे क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी। और सेकंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की द फैसिलिटी ऑफ द क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, तो फॉर्मल सेक्टर के थ्रू भी लोगों को क्रेडिट की फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, या आपको इसका बी पार्ट जो है ऑप्शन में वो है, कंपेयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विद द कमर्शियल फार्मिंग। मींस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है आपकी ओल्ड फार्मिंग टेक्निक, कमर्शियल जो है वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है। इंटेंसिव जो है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स इज़ नॉट टू सेल इन द प्रोडक्शन, नॉट इज़ टू सेल इन द मार्केट, वाइल इन द कमर्शियल फार्मिंग में टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और उसमें हम ओल्ड टूल्स यूज़ करते हैं, ओल्ड मशीनरीज यूज़ करते हैं, और मेनली फैमिली लेबर यूज़ होती है, और सारे का सारा काम जो है आपका हैंड्स के थ्रू होता है। तो कमर्शियल फार्मिंग में HYB सीड यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका सिविक्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 22 अगेन फिर से सिविक्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 23 हिस्ट्री से रिलेटेड है,
क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाई इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। मींस इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो आपकी कंट्री की मेजर्ड की जाती है विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मींस आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन से सेक्टर के अंडर आता है, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंडर। और सेकेंडरी सेक्टर किसी कंट्री का जितना स्ट्रांग होगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री की उतनी ही ज़्यादा होगी। मींस अगर सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री क्या हो जाएगा, वो भी इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा। जब कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप होगा तो आपका कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आएगा। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इंडस्ट्रीज़ आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, इन थर्ड पॉइंट इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन लाइक एरोनॉटिक्स लाइक कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रीज़ कन्वर्ट द रॉ मटीरियल इंटू फाइनल गुड्स विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज द टर्शरी सेक्टर। और एक और पॉइंट आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, इंडस्ट्रीज़ आल्सो चेक आउट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक इन द फॉर्म ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ द बेसिक फैसिलिटी ऑफ द लाइफ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो रिलेटेड है वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका मैप वर्क से रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, 26 का बी, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ कि इसमें दो पार्ट है, 26 का ए पार्ट जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और 26 का बी पार्ट जो है वो है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसमें फर्स्ट आया आपका राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्टूडेंट्स राजा सांसी आपको मैंने सारे एयरपोर्ट याद करवाए हैं, तो राजा सांसी एयरपोर्ट जो है वो आपका एयरपोर्ट है अमृतसर में, और अमृतसर इज़ द मेजर सिटी ऑफ द पंजाब। तो आपको इंडिया के मैप में पंजाब में आके वहाँ पे 26.3 लिख के क्या करना है, इसका नेम लिखना है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद है भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। तो स्टूडेंट भद्रावती आयरन और स्टील प्लांट जो है ये आपका कहाँ पे है, भद्रावती वो है कर्नाटका में, और भद्रावती आयरन और स्टील प्लांट का नाम जो है इसको हम बोलते हैं मिस्को, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। तो भद्रावती जो है वो कुद्रेमुख माइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुद्रेमुख माइंस जो है वो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो कुद्रेमुख माइंस भी है आपकी कर्नाटका में, और भद्रावती स्टील प्लांट भी इस कुद्रेमुख माइंस के पास ही है कर्नाटका में। और एक और क्वेश्चन आता है कि भद्रावती से जितना भी आयरन और स्टील प्लांट है ये सारे का सारा किस पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो पोर्ट है मैंगलोर पोर्ट। तो मैंगलोर पोर्ट भी कर्नाटका का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो है हर स्टेट का जो कैपिटल सिटी है वही हर स्टेट मोस्टली हर स्टेट का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो वेस्ट बंगाल का आपका होगा कोलकाता, तो आप वेस्ट बंगाल में जाके कहीं भी कोलकाता मार्क कर सकते हैं 26.5 के थ्रू। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप फिर पूरे के पूरे मार्क्स इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।